दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या पति अपने पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आप लोगों के लिए अपलोड करूँ तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यह बात तो सभी को पता है कि पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है, यह उसका कानूनी और सामाजिक भी अधिकार है। उसका यह हक है कि वह अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या पति अपने पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। देखिए, अगर पति कमाने में असमर्थ है, वह असक्षम है, वह कमा नहीं सकता है, वह बीमार है, या फिर किसी दुर्घटना में उसका अंग ही भंग हो गया है, और फिर उसके बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके में जाकर रहने लगी है, या फिर कहीं भी अपने पति को छोड़कर जाकर रहने लगी है, तो फिर यहाँ पर पत्नी का फर्ज बनता है कि वह अपने पति का केयर करे और उसका मेंटेनेंस दे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेज में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर पति कमाने में असक्षम है, वह कमा नहीं सकता, और अगर पत्नी कमाती हो, वह पैसा कमा रही हो, तो फिर पत्नी का यह ड्यूटी है, यह दायित्व है कि वह अपने पति का केयर करे, और ज़रूरत पड़ने पर पत्नी जो है पति को मेंटेनेंस भी देगी। या फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर माँ बाप की कोई बेटी है, अगर वह अपने बेटी का शादी कर देता है, और अगर उनका कोई बेटा नहीं है, तो फिर अगर शादी के बाद जो बेटी है अपने पति के घर चल जाती है, और अगर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनका कोई बेटा तो है नहीं, तो फिर शादी के बाद भी बेटी का यह दायित्व बनता है कि वह अपने बूढ़े माँ बाप का केयर करे, और अगर माँ बाप चाहेंगे तो अपने शादीशुदा बेटी से भी मेंटेनेंस ले सकते हैं, उनका यह कानूनी रूप से अधिकार बनता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।